हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सिलाई करते हैं उनको पता ही होगी, जो नेक बढ़ जाता है उसे कैसे ठीक किया जाए। ऐसे तो दो तीन तरीके होते हैं जिससे हम नेक अगर बड़ा हो जाए तो उसे कम कैसे कर सकते हैं, और सबसे एक बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है जो कि बिना शोल्डर खोले, उससे मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आपने, ये नेक का सेंटर पॉइंट ले रही हूँ, वहाँ से हमें नीचे की तरफ एक सीधी लाइन लगानी है, 5 या 6 इंच की आप लगा सकते हैं। सेंटर ले लेना है आपको नेक का। ऐसे तो आप इसे सेंटर से एक प्लीट लगा कर भी गला बड़ा है उसे कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सेंटर में एक प्लीट लगा लीजिए और ऊपर एक हुक लगा दीजिए। बट मैं कुछ अलग तरीके से इसे करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने सेंटर लाइन के आसपास भी 4-5 लाइंस और लगा दी है। सारी लाइंस हैं आधे आधे इंच के कैप पर लगानी है, और मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना नेक कम करना था उस हिसाब से मैंने 4-5 लाइंस ली है। अगर आपको और ज़्यादा नेक कम करना है तो आप अपने हिसाब से उसमें लाइंस ऐड ज़्यादा कर सकते हैं, 7 या 8 ले सकते हैं, 8 से 10 ले सकते हैं। और लाइंस की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे 7 या 8 भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा ना रखें ताकि ये कमर के हिस्से पर फिर टाइट ना हो जाए, इस बात का खास ध्यान रखें। अब इन लाइंस को ऐसे पकड़कर एक एक टाप की सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत तरीके होते हैं जिससे बनाकर हम फ्रंट नेक को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको भी कोई तरीका पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे ट्राई ज़रूर करूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे सिल दिया है, ये लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ आई है। इसी तरीके से हमें सारे लाइन्स एक एक करके सिल लेने हैं, और ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट और इजी लगता है क्योंकि इसमें ना ही शोल्डर खोलना पड़ता है और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स।